स्वागत है आपका एस एम ट्यूशंस में। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट नंबर 1 का सेक्शन ए देखेंगे, साइंस कंपार्टमेंट एग्जाम का। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि जो सेक्शन बी और सी है बाकी सेट्स का, वो आने में डिले हो रहा है। तो एक्चुअली उसको प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, एंड देन फिर अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर मैंने उसको बोला है कि आज वो अपलोड हो जाएंगे मेरे चैनल पे, तो वो बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। वो आज मैं बोला हूँ तो आज उसको कर दूँगा। चलिए देखते हैं सेट नंबर 1 का। सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, नेम टू इन्फेक्शंस व्हिच आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं? तो ये गनोरिया है एंड साइफिलिस। उसके बाद क्वेश्चन था, डिफाइन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का आपको पोल को डिफाइन करना था, जिसका डेफिनेशन है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द। जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसका सेंटर को हम लोग पोल बोलते हैं ना। थर्ड में एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है। राइट द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्या नीड है? तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का नीड है टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजी, ताकि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को ईजी बनाया जा सके। उसके बाद सेकेंड है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न प्रोटोकॉल। 3 का भी तो 18 ग्रुप्स हैं, ये पैराग्राफ में भी दिया हुआ था। 3 का सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अबाउट कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सही नहीं है? तो जो पॉइंट सही नहीं है वो पहला ही वाला है, 3 का सी का ए। इट इज बेस्ड ऑन एटमिक मासेस, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका एटमिक नंबर पे होता है, ना कि एटमिक मासेस। यहाँ रॉन्ग वन ढूंढना था और रॉन्ग वन यही है। नाउ 3 का डी, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज। पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? तो पीरियोडिसिटी का रीजन है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट होता है हर ग्रुप का वो। तो 3 का डी का ऑप्शन भी डी है। क्वेश्चन नंबर 4 वंस अगेन एक पैराग्राफ है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए में। स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी लाइट अ वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल के टाइम पे कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? तो इसका राइट आंसर है कि ये केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नाउ बी है, लिस्ट 2 क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हम लोग कैसे एनर्जी का सिलेक्शन करते हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल हो, जिसको स्टोर किया जा सके ज्यादा टाइम तक के लिए, जो आसानी से अवेलेबल हो और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट थे, बट ये जो पैराग्राफ था उसमें फोकस दिया हुआ था पॉल्यूशन पे, इसीलिए मैंने इसको 2 पॉइंट लिखा है कि पहला वो एक्सेसिबल होना चाहिए, इजी टू एक्सेस, एंड सेकंड पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। सी, राइट नेम्स ऑफ 2 फॉसिल फ्यूल्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई 2 फॉसिल फ्यूल का नाम लिखना था, कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ डी है, व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? क्योंकि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो पॉल्यूशन काउज करते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन काउज, जो पॉल्यूशन काउज हो रहा है इसके वजह से हम अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इसमें बताना था कि ऑक्सैलिक एसिड किस में मिलता है, तो ये टोमेटो में मिलता है, यानी 5 का ऑप्शन ए है, टोमेटो। नाउ इसी का और में था कि कौन सा एसिड है जो स्टमक में डाइजेशन के ड्यूरिंग रिलीज होता है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो 5 का और का ए है आंसर, HCl। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर यूटेंसिल जो होता है वो स्लोली यूज कर देता है अपना शाइनी ब्राउन सरफेस और गेन कर लेता है ग्रीन कोटिंग, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन है कि उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो 6 का बी होगा, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है मेटल के रिगार्डिंग? तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो उसमें जो ऑप्शन 7 का डी है, दैट इज मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट एबव एल्युमिनियम, ये सही है, यानी 7 का डी आंसर होगा। 8 नंबर एक फेमस रिएक्शन है जो कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 8 का जो आंसर है वो सी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है द स्टैमिन कंटेन। स्टैमिन क्या कंटेन करता है? तो स्टैमिन कंटेन करता है पॉलेन ग्रेन्स। इसी का और में क्वेश्चन है कि सीड्स किसका प्रोडक्ट है? सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों सीड्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट कहा जाता है? क्योंकि सीड्स जो होता है वो फॉर्म करता है फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद,
यानी 9 का और का राइट आंसर है बी, दैट इज आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैन। नाउ अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताना था नेचुरल इकोसिस्टम कौन है इसमें से, तो पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम, तो वन और टू ओनली, और ये ऑप्शन है आपका सी, तो 10 का सी, वन एंड टू ओनली। इसी का एक और का क्वेश्चन है 10 का और, जिसमें क्या है ग्रास, डियर और टाइगर। अगर डियर हट जाता है तो क्या होगा, तो डियर अगर हट जाता है तो टाइगर्स विल डाई, इसमें क्या होगा टाइगर जो होंगे वो मर जाए, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि वाटरशेड मैनेजमेंट जो होता है वो किसको एम रख के बनाया जाता है, तो वो सॉइल को कंजर्व करता है, वाटर को कंजर्व करता है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यानी इंक्रीजिंग डाउनस्ट्रीम डैम एंड रिजर्वर्स इसको प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ ड्राउट्स एंड फ्लड को भी मिटिगेट करता है। तो 1, 3 और 4 तीनों सही है, तो 1, 3, 4 ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, 11 का बी, 11 का बी। अब हम लोग 12 पे चलते हैं। अगर एक बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया और वहां पे सिर्फ एक टाइप का स्पेसिस को ग्रो करवाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है मोनोकल्चर, क्योंकि सिंगल स्पेसिस आप ग्रो करवा रहे हैं और मोनो मीन सिंगल, तो 12 का राइट आंसर है मोनोकल्चर। ना 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो एसर्शन है और रीजन है, इसमें ऑप्शंस होते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के, देखते हैं हम 13 नंबर वाले में। उसमें क्या दे रखा है कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में, जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। सेकंड है एब्सिसिक एसिड जो है वो एक प्लांट हार्मोन है क्योंकि वो सेल डिविजन प्रोमोट करता है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, तो वो सेल डिविजन प्रोमोट नहीं करता है, क्योंकि सेल डिविजन होगा तो ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो बी आर जो है वो रॉन्ग है, ए आपका राइट है, जिसका राइट ऑप्शन है 13 का 3 वाला, ठीक है, कि एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स। नाउ 14 में अमीबा जो है वो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, प्लास्मोडियम मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, रीजन क्या है, तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, प्लास्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन करता है, बिल्कुल सही। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है, तो 14 का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।